नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने आया हूं। राष्ट्रीय मुद्दा जनगणना। जनगणना जो 2021 में होनी थी, आज 2024 हो गया है, अभी तक सरकार ने जनगणना नहीं करवाई है। इस सब के पीछे क्या कारण है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जिनका प्रशासनिक तौर पर भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसके अलावा राजनीतिक मुद्दों पर भी उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कारण है कि जो जनगणना है वो अभी तक सरकार जो है नहीं करवा पा रही है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, जो जनगणना है वो 2021 में होना तय था, अब 2024 हो गया है, अभी तक सरकार जो है जनगणना नहीं करवा रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उसके लिए एक मुद्दा है। तो जो जनगणना है वो ना होने का क्या कारण है, और अगर होगी तो कब हो सकती है? देखिए राजेंद्र जी, बड़ा आज आपने एक नेशनल लेवल का मुद्दा है अपने शुरुआत की है और उस पर चर्चा का विषय आज आपने बनाया है जी। तो जनगणना की अगर हम बात करें तो जनगणना का इतिहास देश में बहुत पुराना है और अंग्रेजी शासन के दौरान ही देश में जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1881 में पहली बार अंग्रेजी शासन में जनगणना करवाई गई थी और जनगणना देश की के विकास के लिए और देश के विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न समुदायों के लिए और विभिन्न जातियों के लिए जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों के देखते हुए ही और उन लोगों के लिए, विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के लिए योजनाएं जो है तैयार की जाती हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं और फिर जो कार्यकारिणी है उनको योजनाओं को और कार्यक्रमों को धरातल तक उतारती है और लोगों को फायदा होता है। तो इसलिए जनगणना देश में बहुत जरूरी है। हालांकि 1881 के बाद हर 10 साल में जनगणना होती रही है, लेकिन इस बार 2021 में जो आपने बताया, 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोविड की वजह से हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन 2021 के बाद मुझे लगता है सैकड़ों देशों ने जनगणना करवा भी ली है, लेकिन भारत अभी तक जनगणना नहीं करवा पाया है। क्योंकि और जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक हमारे सामने कोई आंकड़े नहीं आएंगे, आंकड़ों नहीं आएंगे तो जो देश का जो एक जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम और योजनाएं सरकार नहीं बना पाएगी। बिल्कुल, जब तक एक्यूरेट हमारे पास चीजें नहीं होंगी तो डेफिनेटली जो डेवलपमेंट की बात है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जितना डिले हो रहा है इतना ये एक नेशनल मुद्दा भी बनता जा रहा है। विपक्ष ने जो कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस के जो राजनीतिक पार्टियां हो, उन्होंने एक मुद्दा बना लिया है कि देश में जनगणना होनी चाहिए और बहुत जल्दी होनी चाहिए। और उन्होंने जनगणना का ही मुद्दा नहीं बल्कि जातीय जनगणना का मुद्दा भी उन्होंने बना लिया है। अब देखने वाली बात ये है कि जो केंद्र में सरकार है वो जनगणना कब करवाती है। हालांकि जनगणना करवाना उनके लिए, केंद्र सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 2026 में जो एक जो डिलिमिटेशन होना है और प्रसीमन होना है जो संसद में और विधानसभाओं में जो आरक्षित वर्ग की सीटें तय होनी है और उनके आधार पर भी उनके लिए भी जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसद में और विधानसभाओं में जनगणना के करवाए गए आंकड़ों के आधार पर ही ये तय होता है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र, कौन सा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। तो इसलिए जनगणना करवानी बहुत जरूरी है और जनगणना के साथ साथ जो जातीय जनगणना होगी डेफिनेटली उसको भी सरकार ने करवाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक जो सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम करती है अपनी भारत की जनता को कि वो भारत सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, वो ये कोशिश करती है, एक मैसेज देती है कि सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती जी। हालांकि अब जो विपक्ष का निरंतर जो दबाव बना हुआ है उस पर सरकार सोचने लगी है और मुझे लगता है 2025 के शुरुआत में जनगणना की मुझे लगता है काम है, जो कार्य है शुरू हो जाएगा और जी, और 2026 तक वो पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 2026 में प्रसीमन होना है और प्रसीमन के लिए जनगणना के आंकड़े बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, जैसा आपने बताया कि जातीय जनगणना जो है वो भी
कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर जाति जनगणना होगी तो डेफिनेटली ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि कौन से क्षेत्र जो है, कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं जो आरक्षित हैं। तो जातीय जनगणना के साथ साथ अगर बात करूं जनगणना की, तो जनगणना जो है वो आम नागरिक के लिए किस तरह फायदेमंद है और देश के विकास में इसका क्या रोल है? देखिए, हमारे यहाँ के अंदर सरकार के लेवल पर पहले तो वो नीति आयोग एक बना हुआ है जी, नीति प्लानिंग बोर्ड था पहले, प्लानिंग आयोग था, योजना आयोग था, और योजना आयोग का नाम बदलकर जो वर्तमान सरकार है उनको नीति आयोग बना दिया। और नीति आयोग एक का काम यही होता है कि आंकड़े एकत्रित करना विभिन्न वर्गों के, जातियों के, विभिन्न समुदायों के, और वैसे भी हमारा देश विभिन्न जातियों में और समुदायों में और धर्मों में बटा हुआ है। हालांकि इसको कह सकते हैं हम अनेकता में एकता है, लेकिन उनको नकार भी नहीं सकते हम, जातीय जो संरचना है हमारे देश की और जो धार्मिक संरचना है उसको नकार भी नहीं सकते, और उसी आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति तय की जाती है कि किस जाति में आर्थिक स्थिति के लोग कमजोर हैं और किस जाति में आर्थिक स्थिति के लोग एक समृद्ध हैं, और उसी हिसाब से जो आंकड़े जनगणना में जो आंकड़े आएंगे निश्चित रूप से उन आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग योजनाएं बनाता है और योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। तो जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और जातीय जनगणना कई हिसाब से जरूरी है, क्योंकि अब NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लागू होनी है और उसमें विभिन्न कैटेगरी की आयु वर्ग के लोगों की पहचान की जाएगी, कितने आयु वर्ग के लोगों के हमारे शिक्षित हैं, कितने को आयु वर्ग के लोगों तक हमने शिक्षा के मामले में उन तक पहुंचना है, ये सभी आंकड़े जब जनगणना हमारे पास आ जाएगी और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें या दूसरी पॉलिसी सरकार की जो दूसरी पॉलिसीज है उनकी बात करें, तो तभी हम बेहतर तरीके से तय कर पाएंगे कि किन लोगों के, किस कैटेगरी के पास, किस आयु वर्ग के पास और किस जाति के लोगों के पास सरकार बेहतर तरीके से पहुंच सकती है और सरकार की योजनाओं का किस प्रकार से उनको लाभ दे सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जनगणना तो होगी और डेफिनेटली आप जैसा बता रहे हैं कि 2026 तक जनगणना जो है वो कंप्लीट हो सकती है। जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना की भी हमने बात की थी पहले, क्या जातीय जनगणना भी होगी? निश्चित रूप से जातीय जनगणना, इसलिए हमने बात पहले भी बात करी है, इसकी बताया है मैंने, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना भी जो एक, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसमें हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को मुद्दा बनाकर चलती रही है, तो आरक्षण जब जो विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें हैं जब आरक्षित हो की जाएंगी उनमें जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। वो जो आंकड़े किस क्षेत्र में किस जाति के आंकड़े ज्यादा हैं, स्वाभाविक रूप से जिसमें शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब्स के आंकड़े ज्यादा हो गए उन क्षेत्रों को जो आरक्षित उनको किया जाता है। और इसके साथ साथ जो देश में जो 2023 में एक महिला आरक्षण एक्ट 2023 पास किया था और 2029 के बाद वो लागू होना है, सरकार ने पहले तय कर दिया था जब एक्ट, ये महिला आरक्षण एक्ट जो पास किया था लोकसभा में जी, और ये 2029 के बाद लागू होगा, उसके लिए भी जातीय जनगणना और महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की जनगणना भी उसके लिए भी जरूरी है। तो इस प्रकार की ये सारी बातें हैं जो जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों के आधार पर ये बातें सारी तय हो पाएंगी कि किस प्रकार से लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास हम पहुंच सकते हैं जी, और ये सारी बातें तभी परिसीमन भी तभी तय होगा, परिसीमन के आधार पर जो आरक्षण है वो भी तभी तय होगा मुझे लगता है। और आरक्षण के लिए जातीय जनगणना डेफिनेटली निश्चित रूप से बहुत जरूरी होगी। स्थित जी, आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो ये जनगणना है, जो जातीय जनगणना है, ये 2025 तक जो है जातीय जनगणना जरूर हो जाएगी? दूसरा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा या कहे आरक्षण का वर्गीकरण जो किया है, क्या उसके लिए भी जातीय जनगणना जो है वो जरूरी है? देखिए, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार द्वारा डेफिनेटली 2025 में और 2026 से पहले करवाई जाएगी जी,
मुझे ऐसे संकेत मिले हैं, अभी सूचनाएं जो आ रही है तो उसमें लगता है कि एक जो मृत्युंजय कुमार है आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस हैं, 2022 तक उनका जो जो आयुक्त थे वो महापंजीयन एवं जनगणना के, तो उनका 2022 तक कार्यकाल था, उनका कार्यकाल 2022 से बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है और उनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने मुझे लगता है यही इसी को मद्देनजर रखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया 2026 तक ताकि वो जनगणना उनके करवा सके, उनके उनके दिशा निर्देश में जनगणना हो सके। और जो मृत्युंजय कुमार का जो कार्यकाल बढ़ाया उससे डेफिनेटली लगता है कि सरकार जनगणना के देश में जनगणना करवाने के लिए निश्चित रूप से गंभीर है। और जब आपने दूसरी बात दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला आया था उसको लागू करने के लिए क्या जातीय जनगणना जरूरी है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जो आरक्षित जातियां हैं उन जातियों में किस जाति को कितना लाभ मिला है और आरक्षित जातियों में कौन सी जाति आरक्षण के लाभ से वंचित रही है वो डेफिनेटली तभी निकल पाएगा जब जातीय देश में जातीय जनगणना होगी। और जातीय जनगणना के बाद ही जो सरकारें ये इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहेगी उसी आधार पर वो लागू करेंगी कि कौन सी जाति वंचित रही है, कौन सी कैटेगरी जो आरक्षित वर्ग में जो वंचित रही है उस कैटेगरी के लिए ही योजनाएं उनका परसेंटेज जो है ना वो तय किया जाएगा कितना आरक्षण का प्रतिशत किस जाति को किस वर्ग को और किन जातियों को मिलना चाहिए। जी निश्चित रूप से अभी दो दिन पहले एक खबर आई है कर्नाटक में जो आरक्षण में जो वर्गीकरण का जो है वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया है कि डेफिनेटली कर्नाटक सरकार आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करेगी, लेकिन उन्होंने उससे पहले लागू करने से पहले एक आयोग बनाया है, वो आयोग ये तय करेगा कि आरक्षित जातियों में किन जातियों में ज्यादा आरक्षण का लाभ मिला है और किन जातियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने तीन चार कैटेगरीज में वो आरक्षित में जो वर्ग है वो तय करेंगे और उस हिसाब से वो लाभ देंगे उनको। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भी स्टेट जो भी राज्य ये आरक्षित वर्ग के वर्गीकरण में का जो फैसला लागू करेगा उनको सब पहले जो आरक्षित वर्ग का है वो जो जाति गणना है वो निश्चित रूप से करवानी पड़ेगी। हालांकि हरियाणा में भी ये फैसला लागू हुआ है लेकिन हरियाणा ने अभी तक मुझे लगता है जातीय जनगणना नहीं करवाई है, इसके लिए जातीय जनगणना डेफिनेट निश्चित रूप से करवानी पड़ेगी। सो दोस्तों अगर जनगणना की बात करें, जनगणना जो है देश के विकास में कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करती है, दूसरी तरफ जातीय जनगणना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बात की है मेहरा साहब ने बताया कि आरक्षण के वर्गीकरण की बात करें उसके लिए भी जातीय जनगणना जो है बहुत जरूरी होती है। सो देखते हैं कि ये सरकार जैसा कि मेहरा साहब बता रहे हैं कि 2026 तक जनगणना जो है वो कंप्लीट कर सकती है, तो आप आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।